नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिसमें तमाम दावे किए जा रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के। हमने आपसे कल एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें क्या हो सकता है। आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था कि 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि फरीदाबाद की जो 9 सीटें मैंने आपको बताई, उनमें से बीजेपी की फेवर वाली 3 में से 2 पर संघर्ष की स्थिति भी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूं गुरुग्राम लोकसभा को लेकर। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। गुरुग्राम के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इस चुनाव के अंदर, इस विधानसभा चुनाव में सबसे प्रमुख बात ये रही कि राव इंद्रजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो 36 का आंकड़ा है, जो तनातनी है, वो खूब सामने आई। कई बातें ऐसी सामने आई जिनके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये निर्देशित करना पड़ा कि राव इंद्रजीत सिंह को हल्के में ना लें। लेकिन जनता पर उसका क्या असर गया, जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में उसका क्या संदेश गया, और राव इंद्रजीत सिंह के चलते दक्षिण हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन कर रही है, ये हमने कई वीडियोस में आपसे शेयर किया। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत के होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान, और क्या 2019 वाला प्रदर्शन, जिसपे हमने आपको बताया कि आज परीक्षा की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर इस गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही थी और 3 पर कांग्रेस आगे रही थी। हालांकि मार्जिन तो लगभग 70,000-75,000 का रहा था, लेकिन राजबब्बर केवल 3 विधानसभाओं में आगे रह पाए थे और राव इंद्रजीत सिंह 6 विधानसभा सीटों पर आगे रहे थे। गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों का अब क्या हाल है, आपको सिलसिलेवार बताने शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हेडक्वार्टर गुरुग्राम विधानसभा सीट की, तो गुरुग्राम को लेकर के हमने आपसे कई अपने पहले वीडियोस में कहा था कि मोहित ग्रोवर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जब कल मतदान हुआ और मतदान के बाद की जो स्थिति सामने आई, जो हमारी वहाँ पर गुरुग्राम के लोगों से बात हुई, गुरुग्राम के कुछ बड़े पत्रकारों से बात हुई, तो उसके बाद में ये स्थिति सामने आई कि गुरुग्राम के अंदर मोहित ग्रोवर कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर पिछड़ रहे हैं। गुरुग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मुकेश शर्मा, कांग्रेस के मोहित ग्रोवर, इंडिपेंडेंट नवीन गोयल, ये 3 प्रमुख प्रत्याशी थे। मोहित ग्रोवर के पीछे एक प्रमुख बात रही दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव में मोहित ग्रोवर लगभग 45,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर आ गए थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर मोहित ग्रोवर के लिए एक बात लोगों ने खासकर जरूर कही कि मोहित ग्रोवर पूरे 5 साल तक, यानी कि 2019 के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव से पहले, बड़े आराम से अपने घर बैठे रहे। मोहित ग्रोवर के लिए लोगों की एक शिकायत ये थी कि वो लोगों से टेलीफोनिक कनेक्ट नहीं रहते थे, लोगों के फ़ोन तक भी नहीं उठाते थे, और इसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो टिकटार्थी थे, उनसे मोहित ग्रोवर अपना कनेक्ट कर नहीं पाए, उनको भी चुनाव में साथ नहीं लगा पाए। और इस सब को देखते हुए वहाँ की स्थिति ये बनी कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनको काफ़ी आगे बढ़त मिली। हालांकि मुकेश शर्मा को नवीन गोयल ने भी काफ़ी नुकसान दिया, लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि मोहित ग्रोवर अपना वो नहीं कर पाए जो उनको करना था, पंजाबी वोटर जिसके सहारे मोहित ग्रोवर थे चुनाव मैदान में, वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। इसके साथ अगर अग्रवाल मतदाताओं का भी लें तो नवीन गोयल भले ही वैश्य अग्रवाल कम्युनिटी से थे, लेकिन क्योंकि वैश्य अग्रवाल कम्युनिटी का वोटर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी है, उनको रोकने में नवीन गोयल भी कामयाब नहीं हुए। और इस सबको देखते हुए गुरुग्राम की मैं आपको ये बता सकता हूं कि गुरुग्राम विधानसभा सीट पर जो अब तक के हमारे आकलन है उसके लिहाज से यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, मुकेश शर्मा चुनाव जीतने की स्थिति में है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस के मोहित ग्रोवर तीसरे स्थान पर आ जाएं, दूसरा स्थान नवीन गोयल का रहे। अगर अगली विधानसभा की बात करें तो फिर पटौदी की बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट पटौदी,
पटौदी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस दोनों ने अपने कैंडिडेट बदले। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक बार अपनी पुरानी एमएलए बिमला चौधरी पर भरोसा जताया, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं वो, और यहां कांग्रेस ने सुधीर चौधरी के स्थान पर भूपेंद्र चौधरी जो यहां के विधायक रहे हैं उनकी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा। और यहां का चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि पटौदी विधानसभा सीट, एक तो कैंडिडेट चेंज होना, दूसरा राव इंद्रजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो समर्थक हैं उनका इकट्ठा हो जाना, और तीसरा बिमला चौधरी के जो 2014 से 19 रहते हुए उनके जो एमएलए रहने के दौरान उनकी छवि ठीक रहना, इन सब फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर बिमला चौधरी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पटौदी की सीट भी जीतने की स्थिति में है। तीसरी विधानसभा की बात करें तो बादशाहपुर, जब बादशाहपुर का नाम आता है तो राव नरवीर का नाम सबसे पहले आता है, और जब राव नरवीर का नाम आता है तो उनकी वो धमकियां, वो चुनौतियां, वो आंखें तरेरना, वो आंखें दिखाना भाजपा आलाकमान को, वो सब सामने आता है। राव नरवीर सिंह ये सब करते हुए टिकट ले आए थे। राव नरवीर सिंह के सामने कांग्रेस ने टिकट दिया यहाँ पर वर्धन यादव को, और यहाँ पर जो एक तीसरे कैंडिडेट हुए वो हुई कुमुदिनी, राकेश दौलतापाद की धर्मपत्नी कुमुदिनी दौलतापाद। अगर मैं आपको बताता चलूं कि बादशाहपुर विधानसभा सीट पर भी, क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में जाट मतदाता भी हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यादव अहिर मतदाता भी हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में शहरी मतदाता भी हैं। तमाम सोसाइटीज़ जो हैं, तमाम RWO के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी और राव नरवीर सिंह का अपना पर्सनल असर है, लेकिन जो जाट मतदाता था, जाट मतदाता वर्धन यादव और कुमुदिनी के बीच बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर अहिर मतदाताओं की कहें, यादव मतदाताओं की कहें, तो जो यादव मतदाताओं में यूथ वोटर था उसका जरूर झुकान वर्धन यादव की तरफ था उनका झुकाव, लेकिन जो सीनियर वोटर, पुराने मतदाता, वहाँ के जो जिनको रसूखदार, ठोंडा ठुल्ला सब ये कहा जा सकता है, यानी कि जो बड़े नेता माने जाते हैं, जो पंचायती लोग माने जाते हैं, उनके अंदर नरवीर सिंह, राव नरवीर का अच्छा रुतबा रहा। राव नरवीर सिंह के फेवर में एक चीज़ और स्पष्ट विशेष रही कि राव नरवीर सिंह पिछले लगभग 1-1.5 साल से सक्रिय रूप से चुनाव मैदान में डटे हुए थे, लोगों से उनका संपर्क था, और ये सब फायदा मिलते हुए यहाँ पर राव नरवीर सिंह बड़ी बढ़त बनाने की तरफ अग्रसर हैं। यानी कि गुरुग्राम विधानसभा के बाद, पटौदी के बाद बादशाहपुर तीसरी सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, और यहाँ भी कांग्रेस कैंडिडेट और निर्दलीय कुमुदिनी के बीच दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट है। अगर इससे आगे चलते हैं तो फिर गुरुग्राम विधानसभा की चौथी विधानसभा सीट, गुरुग्राम जिले की चौथी विधानसभा सीट है सोहना। सोहना और तावड़ू ये मिली हुई सीट है। सोहना विधानसभा में जो प्रमुख मुकाबला रहा वो यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट रोहताश खटाना, बीजेपी के कैंडिडेट अनंतराम तंवर और इंडिपेंडेंट मोहम्मद जावेद। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का भी एक बड़ा रोल है, लगभग 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि जो उनका कैंडिडेट मोहम्मद जावेद थे वो निर्दलीय थे। मोहम्मद जावेद चौधरी खुर्शीद अहमद के परिवार से हैं, शायद उनके भाई हैं। और अगर मैं आपको बात करूं यहाँ की जो सोहना विधानसभा की, तो मेव मुस्लिम मतदाताओं का यहाँ पर अच्छी तरह से बड़े पैमाने पर बिखरा हुआ है। मेव मुस्लिम मतदाता जहाँ मोहम्मद जावेद के फेवर में गए, वहीं उनका पक्ष जो है वो कांग्रेस के रोहताश खटाना की तरफ भी बड़ी संख्या में उनका मतदान हुआ। अगर गुजर कम्युनिटी की बात करें तो गुजर कम्युनिटी में हालांकि यहाँ पर 5 कैंडिडेट थे गुजर समाज से, लेकिन इस सबके बावजूद यहाँ पर रोहताश खटाना को गुजर कम्युनिटी से भी अच्छा वोट मिला। तावड़ू की बात अगर करें, हालांकि तावड़ू से सुभाष बंसल जो चुनाव मैदान में थे वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में चुनाव मैदान से उन्होंने सरेंडर किया अंतिम 2 दिन में, लेकिन उसका भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा ये अब 8 तारीख को तय होगा। लेकिन जो प्रारंभिक रुझान वहां के हैं सोहना विधानसभा के, तो कांग्रेस के लिए जो चौथी सीट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए फील गुड वाली खबर है कि सोहना विधानसभा में कांग्रेस के रोहताश खटाना बढ़त बना रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव रोहताश खटाना लड़े थे और थोड़े से वोटों से पीछे रह गए थे। अगर अगली विधानसभा की बात करें तो फिर इसके अंदर हम ले लेंगे नूह जिले की 3 विधानसभा सीटें। नूह विधानसभा सीट सबसे पहले आएगी जिसमें आफताब अहमद कांग्रेस के कैंडिडेट थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कंवर संजय सिंह को मैदान में उतारा, और यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल से ताहिर हुसैन आए, जाकिर हुसैन के बेटे, चौधरी तैयब हुसैन के पोते। नूह विधानसभा सीट पर
जो कल मतदान के दौरान झगड़ा लड़ाई झगड़ा पथराव ये घटनाएं भी सामने आई, लेकिन नूह को लेकर के हमने आपसे पहले दिन जो बात कही थी मतदान शुरू होने से पहले चुनाव शुरू होने के दौरान, वो स्थिति अंत तक बनी रही और यहां पर आफताब अहमद बड़ी बढ़त ले रहे हैं। दूसरी विधानसभा की बात करें नूह जिले में, तो फिर वो आ जाती है फिरोजपुर झरका। फिरोजपुर झरका में मामन खां कैंडिडेट और इनके मुकाबले जो कैंडिडेट हुए वो हबीब हुए, इनके मुकाबले जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हुए वो एजाज हुए, ये तमाम कैंडिडेट थे। लेकिन मामन खां के साथ में जो पोलराइजेशन है मतदाताओं का, खासकर मेव कम्युनिटी में यूथ मतदाताओं का और मुस्लिम मतदाताओं का, वो झुकाव मामन खां की तरफ अंत तक बना रहा। और आप मान लें कि फिरोजपुर झरका में मामन खां की जीत में भी कोई संशय नहीं है। तीसरी विधानसभा और सातवीं सीट गुरुग्राम लोकसभा की, वो है पुनाना विधानसभा। पुनाना विधानसभा से चौधरी इलियास यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, मोहम्मद इलियास कांग्रेस की पार्टी से, और उनके मुकाबले रहीसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और तीसरे प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर नसीम थे, वो कैंडिडेट हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मोहम्मद इलियास के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फाइट हुई वो कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में रही। पिछला चुनाव था उस चुनाव में रहीसा लगभग 700-800 वोट से चौधरी इलियास से पीछे रहे थे, यानी कि मोहम्मद इलियास चुनाव जीते थे। लेकिन इस चुनाव में 2024 का जो विधानसभा चुनाव है ये इलियास मोहम्मद के लिए और बड़े अंतर का चुनाव है, यानी कि पुनाना के विधानसभा सीट भी मोहम्मद इलियास के पक्ष में जा रही है। नूह जिले की तीनों विधानसभा सीटें मैं बता दूं तो तीनों सीटें कांग्रेस के फेवर में, और गुरुग्राम की 4 में से 3 और 1 कांग्रेस के फेवर में। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर अब 2 सीटें बचती हैं रेवाड़ी जिले की, वो है रेवाड़ी और बावल। रेवाड़ी में चिरंजीव राव कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हुए वो हुए लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव की सीट बदली गई और उनकी सीट बदल करके उनको रेवाड़ी भेजा गया। इनके बीच में एक कैंडिडेट हुए सतीश यादव जो आम आदमी पार्टी से हुए। अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हरियाणा के अंदर जो 4-5 प्रमुख कैंडिडेट हुए उनमें एक रेवाड़ी वाले कैंडिडेट भी हैं। चिरंजीव यादव भी पिछला विधानसभा चुनाव जो था 2019 का वो बड़े थोड़े मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस चुनाव के अंदर चिरंजीव यादव और लक्ष्मण यादव के बीच में, चिरंजीव राव और लक्ष्मण यादव के बीच में अच्छा मुकाबला रहा। इस सब के बावजूद चिरंजीव राव चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं और रेवाड़ी की सीट कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। अगर अगली विधानसभा की सीट बात कर लेते हैं तो फिर वो बावल। गुरुग्राम विधानसभा में जो 2 रिजर्व सीटें हैं एससी के लिए उनमें पहली मैंने पटौदी आपको बताई और दूसरी बावल विधानसभा सीट। डॉक्टर बनवारी लाल यहां से निवर्तमान विधायक हैं, प्रदेश सरकार में वजीर थे, आजकल केयरटेकर मंत्री हैं। उनका टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह के चहेते डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया। डॉक्टर कृष्ण कुमार रेवाड़ी में फरीदाबाद में सिविल सर्जन रहे हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर डायरेक्टर थे, आजकल सेवानिवृत्ति ली उन्होंने और वहां से आकर के उनको चुनाव मैदान में भेजा गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार का परिवार, अगर मैं ये कहूं कि उनके जो ससुर रहे हैं चौधरी रामरतन, वो विधायक रहे हैं होडल से, और उनके मुकाबले जो कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाए वो डॉक्टर एमएल रंगा, डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा। डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा पीएचडी हैं, वाइस चांसलर रहे हैं और एक बार विधायक रहे। इस चुनाव के अंदर मुन्नीलाल रंगा और डॉक्टर कृष्ण कुमार के बीच सशक्त फाइट थी, लेकिन कांग्रेस की फेवर की बात एक रही कि एक तो लोगों के बीच संदेश था कांग्रेस की सरकार बन रही है, और दूसरा जाट कम्युनिटी का वोटर वो पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस की तरफ गया। और अगर आपको बता दें बावल विधानसभा का, तो फिर बावल की विधानसभा सीट भी कांग्रेस की फेवर में जाने के चांस हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो गुरुग्राम लोकसभा, जहां पर लोकसभा चुनाव में भाजपा 6 विधानसभा सीटों में और कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों में रह गई थी, तो लोकसभा चुनाव के उलट हो रहा है ये विधानसभा चुनाव का परिणाम, जिसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 पर कांग्रेस की बढ़ने की उम्मीद है। जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हैं वो गुरुग्राम जिले की गुरुग्राम, पटौदी और बादशाहपुर, और जो कांग्रेस की तरफ जा रही हैं वो नूह, फिरोजपुर झरका, पुनाना, सोहना, रेवाड़ी और बावल। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।